नमस्कार, आप सभी का स्वागत मेरे इस चैनल नीतीश गोयल में। और आज का दिन दोस्तों मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि वैसे तो हर दिन खास होता है। हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन सूर्य लगातार घूमता होता है। वो घूम रहा है पूरी सृष्टि में, सब कुछ लगातार एक रिदम में चल रहा है, इसलिए हर दिन खास है। लेकिन फिर भी बचपन से लेकर के हर व्यक्ति के लिए जिस साल भर में जिस दिन का इंतजार होता है, मेरे लिए भी आज का ये दिन बस वही है, जिसे हम बर्थडे के नाम से यानी कि जन्मदिन के नाम से जानते हैं। और इसीलिए मैंने कोशिश की है इस दिन को और अपने लिए खास बनाने के लिए। यूट्यूब पर जो मेरा ये चैनल है उस पर जम्बू टॉक्स नाम से मैं एक सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। और जम्बू इस नाम से हमको ध्यान आता है कि जब भी कभी हवन या घर में कुछ पूजा पाठ हो रही होती है तो ये बात जरूर आती है कि जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे। ये जब नाम आते हैं तो एक करेक्टर आता है हमारे देश का, इसकी संस्कृति का, इसकी सभ्यता का, इसके एक स्वर्णिम इतिहास का। तो बस ये विचार आया कि इसी नाम से इस टॉक को शुरू किया जाए और इसमें उन लोगों को शामिल किया जाए जो किसी ना किसी तौर पे भारत की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, इसके यशोगान की बात करते हैं। कैसे हमें अपलिफ्ट होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, एक बार फिर से विश्वगुरु के उस पद पर हमें फिर से प्रतिस्थापित होना है, उसकी बात करते हैं। उन सब लोगों के साथ में आपसे परिचय कराया जाए, उनकी बात रखी जाए, उनकी बात सुनी जाए और कैसे क्या कुछ आगे हम और कर सकते हैं, आज के भारत में हालात क्या चल रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात की जाए। तो मेरे साथ में जो पहले मेहमान हैं, पहले अतिथि हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ में है श्रीमान संजय दीक्षित जी। संजय जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन हैं। जयपुर डायलॉग्स बहुत ही इस समय फेमस एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हमारी भारत की बात कर रही है और मिलियंस में इनके फैंस हैं। अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो ट्विटर पे जाना पहचाना नाम है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक चर्चित और जाने पहचाने मुखर व्यक्तित्व आप रहे हैं, क्रिकेट प्रशासक भी आप रहे हैं और 3 किताबें भी आपने लिखी हैं जिसके बारे में भी मैं आपसे उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है जम्बू टॉक्स। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद संजय जी। और अच्छा लग रहा है आपके साथ में आज मुलाकात करके। संजय जी, क्योंकि इसका सेगमेंट का नाम मैंने जम्बू टॉक्स रखा है तो थोड़ा हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैंने तो कुछ बताया लेकिन आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है और आप अध्येता है, इन सब चीजों को आपने समझा है, जाना है। जम्बू द्वीप के नाम से हम जब बात करते हैं तो थोड़ी सी इसकी, बिकॉज एक हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई पुराना हो गया उसको छोड़ दीजिए, नए को पकड़ के रखिए। पुराने को किस तरीके से हमें पकड़ के रखना है, उसे संभालना है, उससे नई जनरेशन को बातें बतानी है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा हमें जम्बू द्वीप क्या था, क्या उसकी टेरिटरीज थी, टेरिटरीज के साथ में उस समय की सिग्निफिकेंस क्या थी, आज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कुछ इम्पैक्ट है, क्या कुछ उसका मतलब है, थोड़ा उसके बारे में बताएं और फिर इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेगमेंट होने वाला है, ये मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताता चलूं। प्लीज संजय जी। जी, जिसको आजकल हम जम्बू द्वीप कहते हैं और आपने शुरू में बता दिया है, और हमारी कोई भी पूजा अर्चना होती है तो उसमें सबसे पहले यही आता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, और उसके बाद जो आपका लोकल प्रदेश होता है या आपका जो स्थान होता है उसकी बात आती है, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तो ये जो जम्बू द्वीप है वो लगभग आज का जिसको हम कहते हैं कि जो एशिया जिसको हम जानते हैं, ये तो है जम्बू द्वीप। और भरतखंडे भारतवर्ष हम सब जानते हैं, जो अखंड भारतवर्ष की बात होती है वो भारतवर्ष है। और आर्य और द्रविड़ जो है ये दो भौगोलिक चिन्ह है। ये आर्य मतलब विंध्य के उत्तर में आर्य और विंध्य के दक्षिण में द्रविड़, तो ये आर्यावर्ते और वो आपका द्रविड़ स्थान, उसका मतलब ये है ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जिसको आज के जमाने में GI कहते हैं, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है आर्यावर्त और द्रविड़ खंड।
इस प्रकार से ये भौगोलिक परिस्थिति आती है। और या आप देखेंगे तो जो हम आजकल जो विमर्श स्थापित करने में लगे हुए हैं वो वही प्राचीन विमर्श है जिसके अनुसार जो प्राचीन भारतवर्ष था वो पूरे जम्बूद्वीप में फैला हुआ था। इसमें आपके जितने भी आप देख रहे हैं जो आपका जो सेंट्रल एशिया का भाग है, यहाँ तक कि आप रूस का जो पूरा हिस्सा है, विशेषकर जो इसका पूर्वी हिस्सा है, इसमें पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता थी वो पूरी फैली हुई थी। जिस प्रकार से ऋग्वेद में आप सबसे पहले देवासुर संग्राम की एक प्रसंग आता है देवासुर संग्राम का, तो देवासुर संग्राम जो था वो बेसिकली यदि देखा जाए तो वो एक ऐसा संग्राम था जिसमें दो वादों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसको एक को बोलते हैं मोनिज्म, जो ब्रह्म यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बिलीव नहीं करता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पहचानता है कि जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चेतना है, सबके पीछे एक ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसका नाम उन्होंने ब्रह्म दिया वो है। उसके विपरीत जो आपके असुर थे उन्होंने एक विपरीत धारणा कही और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा एक जिसको कहते हैं एक विशिष्ट पुरुष है जिसका नाम उन्होंने कहा कि उसका नाम असुर है और वो हमारा देवता है, प्रमुख देवता है। जबकि मोनिज्म वाले जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाले वो कहते हैं कि भाई देवता सेकेंडरी या टर्शरी है, सबसे पहले ब्रह्म है, फिर इष्ट है, जो इष्ट को हम तीन रूप में देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, फिर उनके बाद देवता है, और जो देवता है वो तरह तरह के देवता हैं, वो कुल देवता भी हो सकते हैं, वो प्रकृति के देवता भी हो सकते हैं, वो पंचभूत भी हो सकते हैं, वो सब तरह के जो देवता हैं, 33 करोड़ के देवता हमारे बताए गए हैं, जिसको लोगों ने मूर्ख लोगों ने 33 करोड़ बोल दिया। 33 करोड़ का मतलब होता है 33 प्रकार के, तो 33 प्रकार के देवता कौन है, वो है 12 आदित्य। आज भी जो आपकी 12 राशियां हैं वो 12 आदित्यों से बनी हुई हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 करोड़ के देवता है। और इनमें सारे के सारे जितने भी आपके देवता हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो एक ही देवता है, और वही वाली बात, ये जो सबसे पहले जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन की सबसे पहली जो कल्पना है वो यहीं से आरंभ होती है, इन्हीं असुरों से, जो जाके बाद में ईरान में बस गए और जिन्होंने जोरोस्ट्रियन रिलीजन बनाया। और ये जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन है इसी में सबसे पहले है जो एक सीमित काल की कल्पना आई, इनके जो काल की कल्पना थी वो 10,000 वर्ष की थी, और उस 10,000 वर्ष में इन्होंने दो तरह के, दो लेवल के, दो स्तर के एक वो बनाए कि 10,000 वर्ष बाद जो है वो इटरनल हेल और इटरनल हेवन होगा, और उसके बीच में जो है वो आत्माएं एक टेम्परेरी स्वर्ग या टेम्परेरी नरक में घूमती रहेंगी। तो ये द्विस्तरीय इन्होंने एक ये कल्पना की, इस बात पे लेके भारी संग्राम हुआ, इनको भागना पड़ा, ये जाके ईरान में बस गए। लेकिन इन्हीं लोगों ने, ये संवाहक बने हमारी संस्कृति के, और इन्होंने एनाटोलिया यानी जो तुर्की है वहाँ पर, जो सीरिया है यहाँ पर, दो प्रमुख सभ्यताएं स्थापित की जिनको हिताइट और मेनानी के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त सेंट्रल एशिया में ये फैले और रूस तक ये गए। आज भी जो आप पूरा का पूरा जब देखते हैं ना, जब बात होती है कि ये लिंग्विस्टिक्स जो है ये कॉमन कैसे है पूरे यूरोप की और पूरे भारत की, तो अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो सारी चीजें हैं वो भारत से निकली हुई हैं, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। ये अलग बात है कि पश्चिम जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो ये नहीं मानना चाहता कि वो किसी भी प्रकार से उसकी जड़ें जो है वो भारतवर्ष में है। तो ये जम्बूद्वीप जो है ये विशाल जो एशिया आज भी सबसे विशाल महाद्वीप है, तो वो है जम्बूद्वीप। और भरतखंड के बारे में तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, भारतवर्ष तो जो है वो है। जी बिल्कुल ठीक बात है, और बड़ी अच्छी आपने बात कही है। शुरुआत में आपने 33 कोटि देवताओं के बारे में भी बताया और ये भी क्लियर किया कि 33 करोड़ और 33 कोटि में कैसे अंतर है। आपने
आर्यस्थान और द्रविड़स्थान के बारे में भी बताया और बहुत ही फेमस तरीके से आपने जो प्राइज एक रखा हुआ है, पुरस्कार राशि रखी हुई है, मैं जब आपकी बुक के बारे में चर्चा करूंगा तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, थोड़ी सी बात हम उसके बारे में भी करेंगे। संजय जी, उससे पहले मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा, बिकॉज जब भी कभी आज एक आजकल बात होती है कि भाई एक वामपंथ है, एक दक्षिण पंथ है, और दक्षिण पंथ में जब बात आती है तो भाई वीर सावरकर का नाम हमेशा शुरुआत में लिया जाता है, वीर सावरकर का नाम आता है तो हिंदुत्व का नाम आता है। अब बात यह है कि क्या ये जो हिंदुइज्म और हिंदुत्व, ये क्या अंग्रेजी में शब्द विभेद है या इन दोनों में थोड़ा अंतर भी है? क्योंकि हिंदुत्व का नाम लेकर के ये हिंदुत्व वाले लोग हैं, हिंदुत्ववादी शक्ति के लोग हैं, तो ये जरा उग्र लोग हैं और ये लोगों को परेशान करेंगे, ये लाठी भाटा वाले लोग हैं, इस तरीके के हिंदुइज्म की बनी, हिंदुइज्म जो है वो तो बढ़िया है, तो क्या इन दोनों में अंतर है? हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा। देखिए, ये एक पूरी तरह से एक कृत्रिम संरचना है हिंदुत्व और हिंदुइज्म की। मैं इसका बहुत ही एक, जिसको आप कह सकते हैं, एक सरल मेरा इसका इंटरप्रिटेशन है, और वो ये है कि चूंकि ये पूरी तरह से ये जो संरचना है वो उन लोगों की हुई है जो हिंदुओं को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, जिनको हिंदू फूटी आंख सुहाते नहीं है, उनके लिए तो द बेस्ट हिंदू इज अ डेड हिंदू। तो ये लोग जो हैं हिंदू की और हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म का मतलब क्या हुआ, इसको यदि आप इसका अनुवाद करें शुद्ध हिंदी में तो हिंदुइज्म का मतलब हुआ हिंदुवाद। तो भाई हिंदुवाद क्या होता है, इस तरह का कोई वाद है क्या? हिंदू धर्म तो है, हिंदुवाद क्या है? तो ये शशि कपूर जैसे जो शैम्पू बॉयज हैं ना, जो अपने को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, ये सब उनके गढ़े हुए शब्द हैं। और मेरा तो इसका अंग्रेजी में मैं कहता हूं इन लोगों के लिए कि द हिंदुइज्म दैट रेजिस्ट्स इज हिंदुत्व, और हिंदुइज्म जिसकी बात कहते हैं, हिंदू धर्म की मूल प्रकृति अन्याय का प्रतिरोध करने की है। ये हमको घुट्टी में सिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के अन्याय का प्रतिरोध करना है। तो जब हिंदू धर्म की प्रकृति हर प्रकार के अन्याय की प्रतिरोध करने की है, जब आपकी उल्टी सीधी बकवास की प्रतिरोध हम करेंगे, हमने ये निश्चय कर रखा है। ये नेहरूवाद का जमाना गया, नेहरूवाद जो है वो आपके लिए बिल्कुल शैम्पू हिंदुइज्म जिसकी बात करते हैं वो आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, जो एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त है, जो एक तरह से अपोलोजिटिक है, वो अपने हिंदू होने में बड़ा ऐसा अनुभव करता है जैसे हिंदू होना कोई बहुत बुरी बात है। तो वो नेहरू जो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट था, चा जिसको मैं कहता हूँ, वो सिंपल चाचा नहीं है, वो चा है। तो वो जो चा नेहरू है वो वैसे तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, लेकिन फिर भी एलीट है, वो एक अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वो अभिजात्य वर्ग वो है जो सीधे सीधे हमारे ब्रिटिश हुक्मरानों का, मैं उसको कहूं कि वो हमारे ब्रिटिश हुक्मरानों की एक, क्या कहूं उसको मैं एक अच्छा नहीं लगता उसे कहते हुए, कह देते हैं हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो थोड़ा खराब बात भी अच्छी लग जाती है, इललिजिटिमेट चाइल्ड है। तो ये जो अवैध संतान है ब्रिटिश हुक्मरानों की, वो हमारा एलीट है, और उस एलीट को अपने हिंदू होने में बड़ी शर्म का अनुभव होता है। अब इनको सबको हम बता देना चाहते हैं कि हमको हिंदू कहलाने में शर्म का अनुभव बिल्कुल नहीं होता, हम पूरी तरह से डंके की चोट पर और पूरे अभिमान से
हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, इसलिए आप हमको हिंदुत्व माने, हिंदूवादी माने या हिंदुत्ववादी माने, आप तो अपने इन पहेलियों में उलझे रहिए और हम तो आपका प्रतिरोध करेंगे ही करेंगे। आप कितने ही विमर्श ले आए, कितने ही नैरेटिव गढ़ ले, आप ये सोचें कि हम आपकी मूर्खताओं का, आपके छल छदमों का प्रतिरोध करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अभिमान पूर्वक हिंदू हैं, उसको आप हिंदुत्ववादी कह लीजिए या हिंदूवादी कह लीजिए, बात एक ही है, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, कटेगा हिंदू विरोधी ही, ये निश्चित है। जी, खरबूजा चाहे छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया हूं कि ये एक सनातनता का दौर शुरू हो चुका है, जमाना है। संजय जी, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, सनातनता, इसको लेकर के आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इस समय देखा जा रहा है कि एक दौर था 1947 से 1975 की बात करें, 1975 से 2000 की बात करें, 99 और उसके बाद में 2020 का ये दौर चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि भाई कभी किसान आंदोलन चल रहा है, कभी CAA के विरोध में शाहीन बाग में कुछ और चल रहा है। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऐसा माना जाता है कि भाई ऐसा बात चल पड़ी है कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी आगे की बात करता हूं। क्या नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व केवल भारत के लिए जरूरी है, या ये दौर, ये समय आ पड़ा है जब इस व्यक्तित्व को विश्व के लिए होना बहुत जरूरी है? नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया ओनली, भारत ओनली, या फिर एक विश्व नेता के तौर पर न केवल प्रतिस्थापित होना बल्कि विश्व को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सनातनता को चाहे शब्दों में कहे ना कहे लेकिन उसको अपने हृदय में लेकर के और बड़ी ही शक्ति के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं ये मानता हूं कि विश्व पटल पर किसी भी नेता का, एक विश्व का नेता होकर उभरने के लिए उसका अपने देश को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लेना पहले आवश्यक है, नहीं तो हमारे चाची वाला हाल होगा कि चाची जो थे वो पूरी दुनिया में अपनी नेतागिरी छांटते घूमते थे और यहाँ पर उनकी पूरी तरह से, इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में कि वाट लग गई, या उन्होंने अपनी लगवा ली वाट, ना तो उनको उनसे इकोनॉमी संभली, ना उनसे अपने देश की सीमाएं संभली, ना उनसे उनके देश के पड़ोसी संभले, उनसे कुछ नहीं संभला, लेकिन अपने आप को वो एक विश्व नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने में जुटे रहे। और उसके लिए जो उन्होंने तरह तरह के समझौते किए, उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा। इसलिए मैं आपके इस बात से पूरी तरह से असहमति प्रकट करूंगा। असहमति इसलिए प्रकट करूंगा कि यदि नरेंद्र मोदी इस देश के नेता के रूप में, इस देश के प्रतिनिधि के रूप में यदि देश को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लेते हैं तो अपने आप वो निखर के आएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ट्रंप जो थे वो पूरी दुनिया के नेता बन गए और खुद हार गए तो क्या बने वो, उनको क्या कहा जाएगा, उनको देश का नेता कहा जाएगा या विश्व का नेता कहा जाएगा? वर्ल्ड लीडर बनते बनते यदि आप खुद की, आपकी देश की लीडरशिप चली जाए तो आपको कोई वर्ल्ड लीडर के रूप में मान्यता देगा क्या? इसलिए जो सारी बातें हैं कि आपके विश्व के नेता के रूप में, अगर रूजवेल्ट विश्व के नेता के रूप में आया, वो इसलिए क्योंकि उसकी स्वयं की स्थिति अमेरिका में इतनी सुदृढ़ थी, चार बार वो प्रेसिडेंट रह लिया, तो इसलिए पूरा विश्व उसको मानता था। अब वही चुनाव हार जाता अपना, दूसरा या तीसरा, तो कौन उसको मानता?
चर्चिल जो थे वो विश्व नेता के रूप में उभरे अवश्य, लेकिन चुनाव हार गए। विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद का जो चुनाव हुआ उसमें चर्चिल महोदय हार गए, तो फिर कहाँ रह गए वो, फिर उनके बाद उसका बंद हुआ पता ही नहीं चला। एक बार पुनः आए जरूर वो पॉलिटिक्स में, लेकिन वो जो उनकी प्रतिष्ठा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के नायक के रूप में ही रह पाई, वो विश्व नायक के रूप में नहीं बन पाए। विश्व नायक बनना है आपको तो आपको 20-30 साल आपके स्वयं के देश का एक पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि निर्विवाद नायक के रूप में आपका रहना आवश्यक है। अब हमारे गांधी जी ही नहीं बन पाए, अब छोड़ो आप, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए अटेम्प्ट नहीं किया, कितने प्रयास कर डाले उन्होंने। हमारे चा जी ने तो 14 बार अपना नाम भिजवाया पीस प्राइज के लिए, और उस पीस प्राइज के लिए उन्होंने देश की ऐसी तैसी कर डाली। इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें आपसे ये आंशिक असहमति व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि विश्व नायक बनने का जो मोह है वो देश को बर्बाद कर देता है। इसलिए आप देश को सुदृढ़ करेंगे तो अपने आप विश्व नायक बन जाएंगे, विश्व के नेता बन जाएंगे। अन्यथा यदि आप विश्व नायक बनने का या विश्व नेता बनने का मोह लेके चलेंगे तो आप देश को बर्बाद करेंगे, हमारे चाजी की तरह। चलिए ये भी अच्छी बात कही आपने कि विश्व नायक बनने का जो मोह है ये त्यागना जरूरी है, और आजकल तो ऐसा लगता है कि मोदी साहब की बढ़ती हुई दाढ़ी की तरीके से वो इस मोह को छोड़ते जा रहे हैं निरंतर, और एक राजर्षि के रूप में कितना स्थापित होते हैं ये समय बताएगा। लेकिन एक और बात आपने जो अच्छी कही कि 20-30 सालों तक निर्विवाद रूप से एक नायक के तौर पर स्थापित होना चाहिए, तो 2014 से लेकर के 2024 तक तो ये तो 10 साल होंगे। अब इस 10 साल के बाद में कितने और टर्म्स आप उनको दे रहे हैं, एक तरीके से आपकी बातों से जो समझ में आता है ये हम लोग देखेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को साथ साथ में यहाँ पर ये भी कहता चलूं कि चूंकि आज ये यूट्यूब लाइव नहीं है, तो आपके जो सवाल है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे संजय जी अगर वो समय दे पाए तो फिर उनके जो आपके जो सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब संजय जी से हम ले पाए। और बिकॉज केवल मेरे ही नहीं बल्कि आपके जहन में भी बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं जो कुछ अच्छे लोगों के साथ में हमें साझा करना चाहिए। खैर, थोड़ी आज के हालातों पर भी संजय जी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि 2021 में या 2020-21 में हम लोग देखें कि इस दौर में कोरोना कोविड काल में जितना लोगों को वैक्सीन की ही चिंता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उससे अधिक, लेकिन जिन लोगों को पॉलिटिक्स में राजनीति में थोड़ी रुचि है उन लोगों के लिए देश के आज तक के चुनावों में एक बहुत अहम चुनाव जो होने वाला है जिसकी चर्चा अभी से बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है वो है 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पिछले बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का, तो भाजपा की 3 सीट आई थी, केवल 3 सीट, वहीं तृणमूल कांग्रेस की 211 सीट, शायद मैं ठीक हूं अगर आंकड़ों के हिसाब से 211 सीट करीबन तृणमूल कांग्रेस के पास थी, भाजपा के पास 3 सीट थी। तो अगर ऐसे देखें तो 2021 में ऐसा होना चाहिए था कि भाई हो सकता है लेफ्ट जो है वो रिवाइव कर जाए, ठीक हो जाएगा, कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। ये अलग बात है कि कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि सौंदेश खाकर के तब से सो रही है, और उठी होगी बीच में तो फिर वो जो क्या बोलते हैं माछा भात है ना वो खाकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा है कि लोग बाग वो माछ भात खाकर के सो जाते हैं, उसके बाद में कोई कॉमर्शियल दुकानदार भी अगर कोई आता है दुकानदारी कुछ खरीदने के लिए तो अभी सोने का समय हुआ है। तो कांग्रेस की हालत भी इस तरीके से ऐसी ही लग रही है। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि 2021 के चुनाव में वो पार्टी झंडा लेके खड़ी हुई है जिसका 3 सीट थी पहले विधानसभा, इससे पहले के विधानसभा चुनाव में, अब 3 सीट वाली पार्टी खड़ी हुई है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस का तिनका जो है उसे जड़मूल से हटा दिया जाए। बहुत लोग जब वहां जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे पत्रकार हो या कोई और हो, वो ये कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में अगर
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का राज हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि केरल में हाल ही में निकाय चुनाव हुए और वहां पर भाजपा ने बहुत बढ़िया तरीके से विजय हासिल की है। तो त्रिपुरा में जो हासिल किया, केरल में जो हासिल किया, पश्चिम बंगाल में उससे मुश्किल हालात नहीं है, उससे थोड़े बल्कि हम तो कहें कि थोड़ा सा आसान ही है। तो क्या स्थितियां आप देख रहे हैं हाल के दौर में पश्चिम बंगाल की, हम बात करें संजय जी? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो आपका वक्तव्य है उसमें संशोधन करूं। केरल में ऐसा कोई तीर नहीं मारा है भाजपा ने। केरल में जो आप सोच रहे हैं कि केरल में भाजपा तीसरे नंबर पे ही है, और उसको जैसे अगर आप मान लें पंचायत चुनाव की बात ही कर लें तो उसमें कोई आपके 900 सीटें हैं, 900 सीटों में से उसको कोई 50-1 सीटें मिली हैं। ठीक है, पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पिछली बार से इम्प्रूवमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। और इनकी 100 से ऊपर जो म्यूनिसपैलिटी थी उसमें से कोई 2 जीती हैं वो, और पिछली बार 1 थी, इस बार 2 हो गई, तो उसको ही आप बहुत महत्वपूर्ण मान लें तो बात अलग है। लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत उनका अभी भी 10 से ज़्यादा नहीं है वो। तो केरल में तो अभी भी भाजपा जो है वो एक मार्जिनल प्लेयर है, वहाँ पे मेन प्लेयर नहीं हो सकती वो 2021 के चुनाव में। इसलिए केरल को तो एक तरफ करें। अब पिछली बार उन्होंने 1 असेंबली सीट जीती थी, इस बार हो सकता है 2-3 जीत लें, इससे ज़्यादा वहाँ भाजपा की औकात नहीं है, ये पहले स्पष्ट कर लें। इसलिए केरल का तो बिल्कुल आप अलग ही कर दें केरल का, उसको आप त्रिपुरा और बंगाल से उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं तो बंगाल के ऊपर। तो बंगाल की बात आपने कही कि पिछली बार उन्होंने 3 असेंबली सीट जीती थी, ठीक है, उन्होंने 3 असेंबली सीट अवश्य जीती थी, लेकिन आप 2019 के लोकसभा चुनाव को तो आपने बिल्कुल एक तरह से उसको नकार ही दिया, उसको आप भूल ही गए। 18 लोकसभा सीट का मतलब क्या होता है? एक लोकसभा सीट में बंगाल में 7 क्षेत्र आते हैं, मतलब 126 तो ये, लेकिन 127 असेंबली सेगमेंट भाजपा जीती है और 150 जीती है तृणमूल कांग्रेस, और बाकी बचे कोई आपके 17-18 और जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह वो उसमें जीते हैं। तो यदि आप आज की स्थिति मान लें तो आज की स्थिति में ये मान के चलता हूं कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की लगभग 100-100 सीटों पर उनकी विजय निश्चित है। आज भी जो आज की स्थिति है, 294 सीटें हैं वहां पर, तो उसमें आज की स्थिति में ये देखता हूं कि 100 सीटों पर तो तृणमूल कांग्रेस हारने वाली नहीं है, और 100 सीटें ऐसी हैं जिसपे भाजपा की विजय निश्चित है। अब बाकी बची ये 94 सीटें, झगड़ा इनका है। अब इसमें जो अभी कुछ जो आपके परिवर्तन हुए हैं, जो हालात में जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनको यदि देख लें, और लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखें, तो आप देखेंगे कि भाजपा की सबसे कमजोर जो स्थिति थी वो जो आपके जो ये 2 ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, इसमें 19 और 16 35 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यहाँ भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और मिदनापुर क्षेत्र में तो पूरी तरह से तृणमूल ने स्वीप किया था, ये यही क्षेत्र है जो शुभेंदु भट्टाचार्य का क्षेत्र है, शुभेंदु अधिकारी का जो क्षेत्र है, तो शुभेंदु अधिकारी का ये क्षेत्र है, इसमें 35 क्षेत्र सीधे आते हैं। इससे लगते हुए है आपका साउथ 24 परगना, जिसमें 33 क्षेत्र आते हैं, और नॉर्थ 24 परगना है, ये कलकत्ता के दक्षिण और कलकत्ता के उत्तर के क्षेत्र हैं दोनों। कलकत्ता में 11 सीटें आती हैं, और उसके बाद हावड़ा और हुगली, उसमें कुल मिला के लगभग आपके 25-1 सीटें आती हैं। तो ये
64 सीटें अकेले 24 परगना जो उत्तर और दक्षिण है इसमें आती है। तो ये 64 और ये 35 कितनी हो गई, ये 99 सीटें, ये लगभग 140 सीटें हैं। ये 140 सीटें मैं आपको बता दूं, ये जो जिले हैं, कलकत्ता मेट्रो जिसमें 11 सीटें आती, फिर 99 सीटें ये, और 30 सीटें हावड़ा और हुगली। ये 140 सीटें जो हैं, इन 140 सीटों में आपके भाजपा जो थी वो मुश्किल से 30 सेगमेंट जीती थी, और इसी कारण वो 18 सेगमेंट जीत पाई थी। वरना और जो बाकी आपके ट्राइबल एरिया में आपका जो है सारा का सारा, जिसमें आपका झारग्राम है, पुरुलिया है, बांकुरा है, फिर बीच में बर्दवान आ जाता है, फिर उधर आपके आसनसोल, फिर ऊपर बीरभूम आ जाता है, इस क्षेत्र में तो भाजपा आगे थी। आपका जो उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें उत्तरी क्षेत्र में आपके अलीपुर द्वार, द्वार्स जिसको बोलते हैं, द्वार्स और कूचबिहार और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इसमें भी भाजपा आगे थी। जो बीच का क्षेत्र है, जो मुस्लिम बाहुल्य है, ज्यादा सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वो है आपके ये दिनाजपुर नॉर्थ और साउथ, मालदा, मुर्शिदाबाद, फिर उससे लगते हुए क्षेत्र, नदिया, ये जो जिले हैं ये मुख्यतः, इनको ये माना जाता है कि साहब ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ बंगाली मुसलमानों की बहुतायत है, और जो आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के शेड्यूल में भी आपके दिनाजपुर और मालदा जो थे वो आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के शेड्यूल में मुस्लिम बाहुल्य जिलों के रूप में बांग्लादेश को जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें रखे गए थे। आप लोगों को पता नहीं ध्यान हो या नहीं ध्यान हो कि 15 अगस्त 1947 को इन जिलों में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था, और जसोर जो है, जो हिंदू बाहुल्य था, जसोर में भारत का झंडा फहराया गया था। लेकिन जब रैटक्लिफ अवार्ड आया तो वो कंटिग्यूटी का प्रिंसिपल उसको अपनाते हुए ये दोनों क्षेत्र जो थे वो भारत में रह गए, और जसोर जो था उसको बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में दे दिया। जसोर से उन्होंने सारे हिंदुओं को भगा दिया, लेकिन जो मुसलमान जो थे जो भारत में रह गए थे वो यहीं रह गए। ये तो खैर पुराना कॉन्सेप्ट है ही कि जो पाकिस्तान है वो तो मुसलमानों की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और भारत जो है वो उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में भी बराबरी का हिस्सा मांगते हैं, जैसे पहले मांगा करते थे आपके ब्रिटिश भारत में, उसी प्रकार से आज भी वो बराबर का हिस्सा मांगते हैं, भले आबादी में कम हो, उसे क्या हो, क्योंकि वो जो सिद्धांत है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, उसमें अलग होना पर्याप्त नहीं है, बराबरी भी उतनी ही आवश्यक है उस सिद्धांत के अनुरूप। ये मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से इन सारे धारणाओं का विवेचन किया है। तो बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत ही रोचक है, इसमें लगभग बराबरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ये शुभेंदु अधिकारी वाला किस्सा हुआ, या वो हमारे आसनसोल वाले तिवारी जी हैं उनका किस्सा हो रहा है, और ऐसा जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग और छोड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ममता के लिए इतनी हिंसा करने के बावजूद अब बंगाल आसान नहीं रहा है। अभी तक मेरा भी यही मानना था लगभग 3 महीने पहले तक, थे लोकसभा की बात अलग है, लेकिन जब विधानसभा की बात आएगी तो ममता को हरा पाना लगभग संभव होगा, ऐसा मैं मानता था 3 महीने पहले तक। लेकिन अब मेरी धारणा बदल रही है, और उसके लिए पूरी तरह से ममता स्वयं जिम्मेदार है। उसकी जो एक असुरक्षता की भावना है, उस वो असुरक्षा की जो भावना है वो इतनी अधिक तीव्र है कि वो उससे लगातार गलतियों पे गलतियां करवा रही। और आपको यदि ये लगता है कि आप 30% मुस्लिम वोट एक साथ ले लोगे और उसके बाद फिर आपको 10-12% वोट की जरूरत है, तो ये ऐसे होता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट भी हैं बीच में, बंगाली मुसलमान और बिहारी मुसलमान वहाँ अलग अलग हैं। आपने पूरी तरह से बिहारी मुसलमानों को ही बढ़ावा दिया है, और कांग्रेस जो है अभी भी बंगाली मुसलमान जो ये पुराने वाले जो है ना, आपको बताया है, जो मालदा मुर्शिदाबाद दिनाजपुर वाला जो क्षेत्र है,
इसमें उसकी हैसियत अभी भी है और वो मिलके लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वो निश्चित रूप से 21% वोट जो है, 20% वोट तो वो लेके जाएंगे, ये जो गठबंधन है। तो वो अगर 20% वोट लेके जाते हैं, 40% वोट लोकसभा में आपको आपने देखा था, 40% वोट भाजपा का था, 43% तृणमूल का था, सिर्फ 3% का फर्क था। अब बीच में ओएसी कूदेगा तो वो 4-6% भी उसने गड़बड़ कर दिया, और इधर शुभेंदु अधिकारी वगैरह जब इधर आते हैं तो मुझे लगता है मामला ममता दीदी का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है अभी। नहीं ये ठीक बात कही आपने कि मामला जो है ममता दीदी का थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और फंस गया है वाकई में, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये भी आपको बताता चलूं कि भाजपा, जो आपने बात की वो सही भी है कि भाजपा की 18 सीट आई थी, लेकिन चूंकि लास्ट मोमेंट पे जब उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो मूर्ति टूटी थी और बंगाली अस्मिता का एक मुद्दा ममता बनर्जी जी ने बना लिया था, तो वो एक भी थोड़ा सा कारण रहा था कि भाजपा 18 सीट आई, वरना उससे भी ज्यादा आ सकती थी। और शायद हो सकता है कि इस बार भी ममता दीदी ऐसा ही कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाती है भाजपा को भी उसको वो देखना चाहिए, और अगर वो ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके से इस बार वहां पर एक जिसको भगवा झंडा कहते हैं वो अगर वो फहर जाए वहां पर, ये भी उसी केसरिया टोली में आ जाए बंगाल भी, खैर कोई बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और संजय जी और मैं आपको बताता चलूं हमारे व्यूअर्स को कि आपने जो 3 किताबें लिखी हैं, शुरुआती 2 किताबें आपने श्री कृष्ण के ऊपर लिखी थी, और वो भी मैं थोड़ा संजय जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और उसके बाद में जो नई किताब आई है वो आपको बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें इस समय बेस्ट सेलर रैंकिंग #1 पर वो किताब है, उसकी बात मैं आप पूरी अलग से करेंगे। उससे पहले छोटा सा अगर संक्षिप्त में संजय जी आप बता पाए कि जो शुरुआती 2 किताबें निकली हैं आपकी जो कृष्ण के ऊपर थी, भगवान कृष्ण के, और लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कुछ बहुत सारे अलग आपने दिए, क्योंकि कृष्ण के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत बातें की गई हैं, आपने भी उनके ऊपर एक नहीं बल्कि 2-2 पूरी किताबें लिखी हैं, तो क्या उसमें अलग आपने ऐसा दिया जो बाकी लोगों ने नहीं दिया, और क्यों करके उन किताबों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है? आप अपना माइक जो है जी देखिए, मेरा जो कृष्ण का चित्रण है वो कृष्ण का चित्रण इस प्रकार से है, क्योंकि मैं हर मानव में कृष्ण बनने की संभावना देखता हूँ, क्योंकि जो मूल सनातन दर्शन है वो यही है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो वो जो ईश्वर है तो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर बनने की संभावना रखता है। तो मैंने कृष्ण को उसी मानव के रूप में देखा है जो कि अपने ईश्वर बनने की संभावना को पा लेता है, वो एक मानव रूप में जन्म लेता है और उस मानव रूप में वो जो उसके अंदर एक सन्निहित ईश्वर बनने की जो संभावना है, जो हम में सब में है, उसको प्राप्त कर लेता है। और जो सनातन की धारणा है मनसा वाचा कर्मणा से, वो ईश्वरत्व को प्राप्त होने के बाद भी एक जानते बूझते इस विश्व में रुकता है और संपूर्ण प्राणी मात्र का उद्धार करने की चेष्टा से जो अपना मोक्ष जो उसके लिए सरल है उसको वो एक तरह से पोस्टपोन कर देता है कि भाई नहीं, हम पूरी तरह से पहले प्राणी मात्र को भी अपने बराबर उठा के उनको उनको उदात्त रूप में ला के उसके बाद ही इस जीवन को त्यागूंगा, ये जो संसार है इसको छोड़ूंगा, तो इसीलिए उसको अवतार कहा गया है। तो मैंने कृष्ण के चित्रण इस रूप में किया है, और इस रूप में उनका चित्रण करने के कारण आप पाएंगे कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के मिरेकल्स का या अभूतपूर्व अप्रत्याशित चमत्कारिक घटनाओं का
कोई भी चित्रण नहीं है, जो भी घटना है वो इस प्रकार से चित्रित की गई है जैसे कि वो एक सामान्य मनुष्य के लिए कर पाना संभव है। तो ये एक उसका चित्रण है। और दूसरे जो गुड वर्सेस इविल या अच्छाई और बुराई के बीच का जो संघर्ष है उसको भी उसी रूप में चित्रित किया गया है। और उसी रूप में जो बुराई का प्रतीक मैंने लिया है जो कुटिल मुनि है, तो वो कुटिल मुनि हमारे यहाँ की एक आजकल सभ्यता है जो सर्व विनाशकारी है, तो उसको मैंने कुटिल मुनि के रूप में दिखाया है। फिर दूसरी जो पुस्तक आती है उसमें एक दूसरी सभ्यता है हमारे यहाँ की जो छद्म रूप से पूरी तरह से पूरी दुनिया पर छा जाना चाहती है, तो उसको मैंने जटिल मुनि के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार से वो दोनों चित्रण उन कृष्ण की जो अभी दो पुस्तकें आई हैं, अभी तीसरी पुस्तक आनी बाकी है जिसमें गीता भी होगी, महाभारत भी होगी, महाभारत का युद्ध भी होगा और उसके बाद की जो अवस्थाएं होगी, और उसमें हमारे पास एक नई नायिका आएगी और उसका नाम मैंने क्या रखा है, उसका नाम मैंने कपट माता रखा है। तो कुटिल मुनि, जटिल मुनि और कपट माता, यह तीनों कृष्ण के सामने खड़े होंगे और उनका विनाश कृष्ण करेंगे। एक ईश्वर की संभावना प्राप्त किए हुए मानव के रूप में। बहुत सुंदर बात है। और एक कृष्ण ट्रायोलॉजी ट्रायोलॉजी की बात है, दो किताबें आपने लिखी हैं, तीसरी किताब आने वाली है, और उससे पहले ट्रायोलॉजी पूरी हो उससे पहले जो आपकी तीसरी किताब आई है, मैं अपने व्यूअर्स को वो किताब जरूर दिखाना चाहूंगा, प्लीज लुक एट इट, अनब्रेकिंग इंडिया डिसीजंस ऑन आर्टिकल 370 एंड द CAA, संजय दीक्षित, गरुड़ा प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया है और इस समय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर बेस्ट सेलर #1। अगर हम किसी भी तरीके से जानना चाहते हैं इस समय के हालात को और क्या कुछ हो रहा है, दैट्स अनब्रेकिंग इंडिया, तो ये किताब जरूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और इस किताब को पढ़ने के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे संजय जी, और साथ ही एक्सपीरियंसेस के साथ साथ क्यों आपने इस किताब को लिखने का सोचा, वो भी थोड़ा हम लोगों को बताइए। और इसके साथ में मैं आपसे ये भी एड ऑन करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे बहुत काम किया, बहुत उसके बारे में लिखा है, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी इसमें चूंकि आप लोग कुछ ग्रीन कलर्स देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर्स में कहीं मैं बताता चलूं कि उस्मानिस्तान है, कहीं बंगिस्तान है, कहीं बीच में फरुकिस्तान है, कहीं पर हैदरिस्तान है, कहीं पर सिद्धिस्तान है, यानी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी आर्य है, द्रविड़ है और मुसलमान इस्लाम, वो कहां कहां पर कैसे कैसे पैचेस में हैं, इन सब के बारे में भी कुछ कुछ यहां पर हमको जानने को मिलेगा। थोड़ा आपके एक्सपीरियंसेस और क्यों आपने इस किताब को लिखने का सोचा, जरूरी क्यों है आज के हालात में, हम सभी के साथ में शेयर कीजिए प्लीज। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का इस किताब से कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है। एक मिनट आप थोड़ा सा नजदीक लाके इसमें जो ये मानचित्र है उसको दिखाएं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने इसका नाम अनब्रेकिंग इंडिया क्यों रखा। थोड़ा आगे लाएंगे आप उस कैमरे के पास में तो लोगों को अच्छी तरह से दिखाई देगी कि आप ये जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का जो मूल नक्शा है, जो पाकिस्तानियों ने जिसकी अवधारणा की थी, रहमत अली का मैप है ये। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में पास हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में 1940 में पास होने के पहले एक रहमत अली थे इस मूवमेंट के कर्ता धर्ता, उन्होंने ये बनाया था। इसे आप देख रहे हैं जहाँ हैदराबाद है वहाँ उस्मानिस्तान है, वहाँ बीच में एक आपके फारुकिस्तान है, एक हैदरिस्तान है और एक आपके मूनिस्तान है। तो मोहम्मद साहब और जो उनके पहले चार खलीफा थे, कौन, मोहम्मद साहब के नाम पे तो मूनिस्तान है, वो आपके जहाँ राजस्थान है वहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद पहले फरीक कौन थे, अबू बकर सिद्दीकी, तो सिद्दीकिस्तान है, देखिए आप सिद्दीकिस्तान कहाँ दिख रहा है, जहाँ भोपाल है वहाँ सिद्दीकिस्तान दिख रहा है आपको। फिर दूसरे खलीफा कौन थे, वो आपके थे उमर फारूकी, तो आपको फारूकिस्तान दिख रहा है। फिर तीसरे कौन थे, उस्मान, तो उस्मानिस्तान दिख रहा है। फिर चौथे खलीफा कौन थे सुन्नियों के, अली, यानी अली को हैदर कहते हैं, तो हैदरिस्तान भी है।
फिर मोपल्ले हैं तो मोपलिस्तान है, बंगाल में बंगिस्तान है, यहाँ तक कि श्रीलंका है उसमें भी दिखाया है। हाँ दिखाइए जरा श्रीलंका का, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, वहां पे भी एक नासिरिस्तान है, दूसरा क्या नाम है दिखाई नहीं पड़ रहा मुझको यहाँ से दूर से। सैफिस्तान, तो सैफिस्तान और नासिरिस्तान उन्होंने श्रीलंका तक में दिखा रखे। तो ये एक इसको बोलते हैं वेट ड्रीम है पाकिस्तानियों की, जो आज भी कायम है। वस्तुतः जो पाकिस्तान का सिद्धांत है वो ये है कि मुगलों ने सत्ता हमसे ली थी, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मुगलों ने सत्ता मराठों से ली थी। मराठों ने तो पीट पीट के मुगलों को खाली लाल किले के भीतर छोड़ दिया था। लाल किले और चांदनी चौक के अलावा मुगलों की कोई हैसियत नहीं थी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, शाह आलम हुआ करते थे, शाह आलम सेकंड, और उनका करीब 30-40 साल तक राज रहा था। तो शाह आलम के बारे में कहते थे, शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, मतलब जो शाह आलम है पूरी दुनिया के बादशाह, आलम के बादशाह, उनकी जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक है। शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, तो ये तो उनका हाल था। लेकिन ये जो हमारा अशराफिया कौम है, ये सबसे गद्दार कौम है इस पूरी दुनिया की, दुनिया की कह रहा हूं मैं, सिर्फ भारत में नहीं है, जहां जहां भी जाते हैं ये अशराफिये सिर्फ, अब इसको नीचे कर सकते हैं, ये अशराफिये जहां भी जाते हैं वहां सिर्फ ये मुगल हेजिमनी की बात करते हैं, वो मुस्लिम हेजिमनी की बात करते हैं, वो इस्लाम को सबके ऊपर नाफिज करना चाहते हैं कि इस्लाम ही डोमिनेट करेगा। तो वही काम उन्होंने टू नेशन थ्योरी के माध्यम से किया, और टू नेशन थ्योरी में तो कहते थे खासा हसन निजामी है साहब, निजामी चिश्ती गद्दी के एक पीर है, और लोगों को बड़ा बताया जाता है निजामुद्दीन औलिया सेक्युलर, जबकि निजामुद्दीन औलिया से ज्यादा, आज ही मैंने ट्वीट किया है एक संदीप बालकृष्ण का आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए, असलियत निजामुद्दीन औलिया की क्या है और कितने वो जिसको कह सकते हैं कि कट्टर और ब्रूटल और कितने धर्मांध थे, वो उसका पूरा उसके अंदर चित्रण है। तो इन सबका बस एक ही शगल था कि हमें किसी भी तरह से औरंगजेब आलमगीर की सत्ता को वापस लाना है। अब उसके वापस लाने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो तरीका ये निकाला कि पहले एक मदीना बना लो, जैसे हजरत मोहम्मद ने हिजरत की थी और वो चूंकि कमज़ोर थे मक्का में तो वो चले गए थे मदीना, और मदीना में अपने को मजबूत करके उन्होंने वापस मक्का पर चढ़ाई की और मक्का को जीत लिया। तो इस तरह का काम करो, तो उसमें मिलके सब लगे हुए थे, और उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया था और ये प्रस्तावना की थी जो आप सामने अभी दिखाया गया आपको, जो मानचित्र, इस तरह का मानचित्र बना लो और इस तरह से इसको कर लो, और बाद में फिर धीरे धीरे पूरे उसके ऊपर कब्जा जमा लेना। और ख्वाजा हसन निजामी की मैंने बात की, वो तो ये कहते हैं, मैंने पुस्तक में लिखा है पूरा उनका उद्धरण, उन्होंने कहता है कि हिंदुओं को क्या तमीज है राज करने की, राज तो हमेशा मुसलमानों ने किया, भले उनको जूते पड़ते रहो पिछले उसके 200 साल पहले से, लेकिन हमारी दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ के कुछ नेता थे वो बिल्कुल अपनी अहिंसा के और अपनी सत्ता के फिराक में उन्होंने जाके समर्पण कर दिया, और समर्पण करने का नतीजा ये हुआ कि वो हिंदू सभ्यता जिसने 1000 साल तक इनसे संघर्ष किया, इनका प्रतिरोध किया, इनसे मुकाबला किया, इनको हावी नहीं होने दिया, उसको 30 साल के अंदर नपुंसक बना के छोड़ दिया, और उसको ऐसा मिसगाइड किया, उसका ऐसा मतिभ्रम किया कि उसको वो क्षेत्र जहां वो 1000 साल तक लड़के और अपनी हैसियत कायम करके रखी उसको यूं ही छोड़ देना पड़ा। और आज भी जिन लोगों ने ये किया उनका नाम सेक्युलर लग के इंडिया में रख लिया, भारत में रख लिया, वो तो सारे सेक्युलर हो गए, और जिन्होंने अखंड राष्ट्र के लिए संघर्ष किया वो सब सांप्रदायिक हो गए, और वो विमर्श कहीं ना कहीं आप 2014 तक तो चल ही रहा था, वो तो अब हम लोगों ने ये विचारों की तलवार निकाली है और विचारों की तलवार लेके हम संघर्ष कर रहे हैं, और इन संघर्ष में आप सब देख रहे हैं कि हम इनको पीछे छोड़ रहे हैं, और इन विचारों का थप्पड़ तो हम लगातार इनको मारते रहेंगे, और हमारे विचारों का थप्पड़ इतना मजबूत है कि इसको ये सहन नहीं कर सकते, इसीलिए इधर उधर रोते घूमते हैं।
और अलग अलग तरह के विमर्श बनाते हैं। बहुत सही बात कही आपने कि विचारों का ये विमर्श है, और चूंकि आपने जो बात शुरुआत में कही कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इतना संघर्ष किया और उसके बाद में चीजें हासिल की, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि पेशवा बाजीराव जिन्हें बहुत जिन्होंने जितने युद्ध लड़े उतने सभी जीते, उन्हें बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर एक देवदास के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो किस तरीके से हमारे यहाँ पर एक चीजों को खत्म किया जा रहा है, और मैं आपका एक प्रोग्राम संजय जी देख रहा था जिसमें तुफैल जी के साथ में आपकी चर्चा हो रही थी, और बड़ी बढ़िया सी बात तुफैल जी ने कही थी कि 2 बीघा जमीन ये फिल्म आई थी और उसमें एक गीत भी था कि फिर सुबह होगी, और कैसे उस सुबह को होते होते आपको वामपंथी चोला उड़ा दिया जाता है, आपको मालूम तक नहीं पड़ता। कैसे वो विमर्श चल रहा था, बलराज सहनी साहब की ये फिल्म थी, बहुत समय पहले आई थी, 2 बीघा जमीन बहुत फेमस फिल्म हुई है, लेकिन आप एक फिल्म के जरिए कैसे वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया संजय लीला भंसाली की जो फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव जैसे सेनापति को एक कैसे उसको एक देवदास के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर हम विचारों की तलवार नहीं निकालेंगे तो ये लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, और उसी को रोकने के लिए ये माध्यम है, चाहे वो माध्यम जयपुर डायलॉग्स हो, चाहे जिस तरीके से मैंने इस सीरीज की आज शुरुआत की है दैट इज जम्बू टॉक्स। एक बार फिर से मैं बताता चलूं कि अगर आपके जहन में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा, और संजय जी से हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब वो हमारे साथ में जुड़े तो उन सभी सवालों के जवाब दें, और जो कुछ अपनी बात वो रखना चाहें तो वो जरूर रखें। मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये भी कहूंगा कि ये हमारा प्रयास है, और हमें उसके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल की जो घंटी है उसे भी आप दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और अगली बार फिर से आपके साथ में किसी और शख्सियत के साथ में रूबरू होंगे। जम्बू टॉक्स का ये पहला इस सीरीज का पहला एपिसोड है, और पहले अतिथि हमारे श्रीमान संजय दीक्षित जी हमारे बीच में पधारे और बहुत बढ़िया भारत की बात उन्होंने कही। मैं उनके चैनल को भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी इसी तरीके से गतिमान होता रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे, और विचारों के लिए जो हम कुछ व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं जरूर करते रहें। प्लीज शेयर द वीडियोस, पूरा देखें, और उसके बाद में अपने प्रश्न या कमेंट जो भी आप कहना चाहें लिखना चाहें जरूर लिखें। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।